ओ भाई फाइनली मेरे को यहाँ पर इतनी बड़ी केव मिल गई माइनिंग के लिए, लेकिन मेरे पास टॉर्चेस तो बहुत ज्यादा कम है यार, मैं माइनिंग कैसे करूँगा? लगता है मेरे को फिर से घर पे वापस जाना पड़ेगा यार। तो फाइनली मेरे को यहाँ पर इतनी बड़ी केव मिल गई माइनिंग के लिए, अब मैं यहाँ से बहुत सारे रिसोर्सेज लेके जाऊँगा घर पे, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 2 टॉर्च है यार, मैं माइनिंग कैसे करूँगा? लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तो टॉर्च वाला मोड लगा रखा है ना, अब मैं 2 टॉर्च से भी अपनी माइनिंग कर सकता हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ डायनेमिक लाइट वाला मोड, जिससे आप बहुत ज़्यादा आसानी से माइनिंग कर सकते हो और अपने लेफ्ट हैंड में भी टॉर्चेस को पकड़ सकते हो। इस वाले मोड में आपको टॉर्चेस के बिना भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिनको आप अपने ऑफ हैंड में पकड़ सकते हो। तो अभी मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर रात हो गई है और आप लोग देख ही सकते हो मैंने ऑफ हैंड में टॉर्च पकड़ रखी है और यहाँ पर तभी भी लाइट जल रही है। और अभी मैंने अपने हाथ में कैंप फायर पकड़ रखी है और देखो अभी भी लाइट जल रही है। और अभी मेरी इन्वेंटरी में जो भी सारी चीज़ें हैं इन सब से आपको लाइट मिल सकती है। और अभी आपको स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिख रहा होगा, इसमें जो भी चीज़ें हैं आप इनसे लाइट ले सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप अपने वर्ल्ड में इसको कैसे लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपने वर्ल्ड के रिसोर्सेज पैक में आ जाना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपने जो मोड लगाया होगा, और फिर आपको यहाँ से इसको एक्टिवेट कर देना है और अब आपका मोड तो लग जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने ऑफ हैंड में भी आइटम्स को पकड़ना है तो आपको ये वाली एक्सपेरिमेंटर को ऑन करना पड़ेगा, हॉलीडे क्रिएटर फीचर्स को, जैसे कि मैंने कर रखा है यहाँ पर, और फिर आपका पूरा मोड लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पर मोड लगा दिया और अगर आप किसी भी आइटम्स को ऊपर से फेंकोगे तब भी उसकी लाइट ग्राउंड पर जलती रहेगी। और तो इस वाले मोड में आपको टोटम ऑफ अंडाइन पे भी आपको लाइट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो सभी आइटम ग्राउंड पर पड़े हुए हैं, लेकिन तब भी इनकी लाइट जल रही है। और इस वाले मोड का लिंक मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में। एंड और ऐसे ही माइनक्राफ्ट के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।